के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के 40 सीटें खाली हैं, लेकिन बीएचएमएस में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार छात्र छात्राएं इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। शासन के आयुष विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों की पांचवी काउंसलिंग की आयुष मंत्रालय की डेट के बाद भी काउंसलिंग नहीं करवाई गई। सीटें खाली रहने का दूसरा कारण ये भी रहा कि ये काउंसलिंग में छात्रों के क्षेत्र के कॉलेज आवंटित नहीं करने करते हुए दूरस्थ क्षेत्र आवंटित किए गए। ये मध्य शासन की लापरवाही की वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई है, जो कि 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक होनी थी और इसकी काउंसलिंग की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से जो है पूरे मध्य प्रदेश के कॉलेजों में होम्योपैथी की 40% सीटें खाली जा रही। आज के समय में मध्य प्रदेश में मात्र 30 से 40 हज़ार के लगभग फीस चल रही है। इतनी अल्प फीस में भी कॉलेजों को संचालित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, जबकि भारत सरकार आयुष मंत्रालय जो इसमें नेट के स्टैंडर्ड यूजीसी एवं एनएबीएच के स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉलेजों को संचालित कराना चाहती है, जबकि इस भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन से भी किसी तरह का भी आर्थिक और सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जब इस तरह की 40% सीटें खाली रहेंगी तो कॉलेज जो है बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। संगीत सूर्य बैजू बावरा की पुण्यतिथि पर ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में नामी कलाकारों ने अपनी धरुपद शैली के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस राग में अपनी संगीत शैली के लिए